नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। आज की बड़ी खबरों में क्या है? खबरों में सपा बसपा का गठबंधन है। इस गठबंधन में तीसरा एलिमेंट यानी राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी, उसकी एंट्री होने की सुगबुगाहट है। आज आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी सपा के मुखिया अखिलेश यादव से मिले, मिलकर ट्विटर पर फोटो डाली। अल्लामा इकबाल की शायरी कैप्शन बनी, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये शेर हमने पढ़ दिया। अब आप पूछेंगे, भाई साहब ये उकाबी क्या होता है? तो उकाबी का मतलब होता है तेज तर्रार। रूह तो आत्मा होती है और बेदार मतलब जब जलवा अफरोज होगी, सामने आएगी, ऐसा कुछ। हमने अपने प्रोड्यूसर आशीष से कहा, अभी भी समझ में नहीं आया और समझाओ। बोले ये मोटा माटी वही है, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाए वो शक्तिमान। ताकतें नापी जा रही है, मुलाकात और शेरो शायरी का मतलब निकल रहा है। फॉर्मूले चल रहे हैं कि वो जो 38-38 के बाद चार सीटें बची थी उसमें दो तो सोनिया और राहुल के लिए छोड़ दी, दो जो छोड़ी हैं वो आरएलडी के लिए है। आरएलडी कह रही है हमको और दो, तो अखिलेश यादव ने कहा है कि हम अपने कोटे से तुमको एक आध दो सीटें दे देंगे, साथ में रहो। पर सब कुछ सूत्रों के हवाले से। खबरों में सीबीआई है। एक बार फिर सिलेक्शन पैनल की मीटिंग हो रही है 24 जनवरी को। पिछली बार मीटिंग हुई थी तो आलोक वर्मा की कुर्सी चली गई थी। उसके बाद से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि काम चलाओ डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा, जल्दी से तय करिए, और अब तय होगा। खबरों में 84 के सिख दंगे हैं। इस बार क्यों खबरों में है? वजह बनी जगदीश टाइटलर की आमद। शीला दीक्षित वेटरन लीडर कांग्रेस की फिर से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। बुधवार को उन्होंने पद संभाला। इस मौके पर जगदीश टाइटलर नजर आए पदभार ग्रहण करने वाले कार्यक्रम में। पहली पंक्ति में बैठे थे, बवाल शुरू हो गया। कुछ दिनों पहले सज्जन कुमार को सजा हुई है। टाइटलर पर भी 84 के सिख दंगों को लेकर बहुत इल्जाम लगते हैं, जांच चल रही है और इसलिए नए सिरे से आरोप लगाए जा रहे हैं। और 84 के दंगों पर कांग्रेस को जवाब तो बार बार देना ही होगा, जब तक इन नेताओं को सार्वजनिक जीवन में हम देखते रहेंगे। बड़ी खबर में लेकिन आज इन सब की बात नहीं, इन पर खूब बहस हो चुकी। आज बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक की राजनीति में जैसे ही कुछ उठा पटक होती है, मीडिया वाले दौड़ पड़ते हैं। कैप्शन लिख के आ जाता है टीवी पर, कर्नाटक में नाटक, नई नई हेडलाइन आती है, ड्रामा हो रहा है। कर्नाटक में फिलहाल गठबंधन की सरकार चल रही है, HD कुमारस्वामी मुख्यमंत्री हैं। मंगलवार की देर रात सरकार से, उनकी सरकार से यानी कि JDS और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार से, दो निर्दलियों ने समर्थन वापस ले लिया। कहा गया कि एक को मंत्री नहीं बनाया इसलिए और एक को मंत्री पद से हटाया इसलिए। कुल मिला के सरकार पर फिलहाल संकट के बादल छा गए। बीजेपी ने दावा किया 48 घंटे में कांग्रेस JDS की गठबंधन वाली सरकार गिर जाएगी, हम कार्यकर्ताओं को खुशखबरी देंगे। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक समर्थन वापस लेने वाले हैं और बीजेपी से मिलकर ये सरकार गिरा सकते हैं। इन सब अटकलों पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले सामने आए कर्नाटक के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने कहा कि बीजेपी गठबंधन नहीं तोड़ सकेगी, हमारे नेता और विधायक परसों मिलेंगे, सब साथ हैं। हमारे सारे 118 MLAs इंटैक्ट है, कोई किधर जाने वाला नहीं है। उधर बीजेपी की अलग पिक्चर चल रही है, वो अपने 104 विधायकों को लेकर गुरुग्राम के होटल में बैठी है। बीजेपी के नेता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे विधायक खरीदना चाहती है, हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती है। और कांग्रेस क्या कर रही है? जिस होटल में बीजेपी के विधायक रुके हैं उसके बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है, पहला दूसरे पर आरोप लगा रहा है, दूसरा तीसरे की टांग खींच रहा है। क्या हो रहा है और क्या होगा ये समझ नहीं आ रहा। कुल जमा कर्नाटक का सीन ऐसा है जैसे प्रियदर्शन की भागम भाग या हंगामा जैसी फिल्मों का क्लाइमेक्स हुआ करता था। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि इस पूरी उठापटक को आपको आसान शब्दों में समझा दें। इसके लिए सबसे पहले समझिए कर्नाटक का अंगणित। विधानसभा में कुल सीटें 224, सरकार बनाने के लिए चाहिए 113। 7 महीने पहले चुनाव हुए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, उसे मिली 104 सीटें, कांग्रेस को मिली 80 सीटें, JDS को मिली 37 सीटें। अब कांग्रेस, JDS और निर्दलियों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बना ली। इस गठबंधन में निर्दलियों को मिलाकर कुल 120 विधायक हो गए थे। इनमें से दो विधायकों आर शंकर और एच नागेश के समर्थन वापस लेने के बाद फौरी तौर पर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। इस राजनीतिक संकट पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं जानिए। वो अपनी तरफ से चिल हैं,
या शायद ऐसे दिखा रहे हैं कि वो चिल है, दूसरों को इत्मीनान बरतने को कह रहे हैं। बोले, मुंबई के होटल में मौजूद कांग्रेस के विधायकों तक भले मीडिया ना पहुंचे, वो मेरी पहुंच में है। मैं सबके साथ संपर्क में हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, गठबंधन आराम से चल रहा है, मैं निश्चिंत हूँ, आप भी चिंता न करें, खुश रहें। कुमारस्वामी का यह भी कहना है कि दो विधायकों के जाने से कुछ नहीं होता, समस्याएं तो तब होंगी अगर जेडीएस के विधायक पाला बदल लें। अब कांग्रेस के विधायकों के होटल में होने का जिक्र आ रहा है, प्रपंच आ रहा है, क्या है मीडिया में एक कीवर्ड बड़ी सरगर्मी से चल रहा है, वो है 19 को 19। एकदम लग रहा है किसी थ्रिलर फिल्म का कोडवर्ड है। इसका अर्थ, गठबंधन सरकार के 19 विधायकों को 19 जनवरी को तोड़ लिया जाएगा। इसी क्रम में ये खबरें भी आई कि कांग्रेस के कुछ विधायक और दो निर्दलीय मुंबई के पवई इलाके में एक होटल में रुकवाए गए हैं। कुल कितने विधायक होटल में रुके हैं, 5 से 6 का आंकड़ा बताया जा रहा है। किसने रुकवाया है, सूत्र कह रहे हैं कि बीजेपी समर्थकों ने। लेकिन मीडिया का एक धड़ा यह भी दावा करता है कि पवई के होटल का नाम तो बस बहकाने के लिए लिया जा रहा है, विधायक तो कहीं और रुके हैं। अफवाहें ऐसी भी हैं कि 5-6 विधायक नहीं है, विधायकों की संख्या ज्यादा है। और इन्हें रोके जाने की वजह क्या बताई गई, सीधी सी वजह है, जैसे ही गठबंधन की सरकार गिराने की बारी आए, इन विधायकों का इस्तेमाल किया जा सके। आज 5 दिन से ये विधायक होटल में बंद हैं। मीडिया वालों को विधायकों तक नहीं जाने दिया गया। खबरें आई कि वहां बैठे बैठे विधायक भी थक चुके हैं, उन्हें अपने कमरे से नहीं निकलने दिया जा रहा, इसलिए उकता गए हैं। बस इन्हीं होटल में रुके विधायकों की बात HD कुमारस्वामी अपने बयान में कर रहे थे। कह रहे थे, सब ठीक ठाक है, सब हमारे संपर्क में है। अब यहाँ पर हमारी एक बात मानिए, ये जो तमाम विधायक जोड़ने तोड़ने की बातें कर रहे हैं, या ये बातें कि निर्दलीयों और कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी ने रुकवाया है, ये सब सूत्रों के हवाले से कही जा रही है। कॉन्क्रीट फैक्ट वो है जो कुमारस्वामी की बात से निकला, विधायक होटल में रुके तो जरूर हैं, और राजनीति की सारी अनिश्चितता इन्हीं विधायकों के आसपास घूम रही है। इन विधायकों पर कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान का बयान आया। बोले, हाँ, 2-3 विधायक मुंबई में है, लेकिन सब वापस आ रहे हैं और कल तक सब लौट आएंगे। जमीर अहमद खान की माने तो सब ओके है, विधायक छुट्टी मनाने गए हैं, लौट आएंगे। पर अगर आप सांसद KH मुनियप्पा की बात सुने तो महसूस होता है कि कुछ असंतोष तो पक्का है। वो क्या बोले, जो भी साथ छोड़ गए हैं वे लौट आए, हाईकमान आपकी तकलीफों से वाकिफ है, आपको अगले कैबिनेट विस्तार में मौका दिया जाएगा। हजरात हजरात हजरात, ये एकदम मुनादी जैसा है ना, हजरात हजरात हजरात, तुम घर से गुस्सा होके चले आओ, लौट आओ, मम्मी का बुरा हाल है, बुआ रो रही है। खैर, होटल की कैद में बीजेपी के विधायक भी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। गुरुग्राम के पास ITC ग्रैंड भारत होटल है, कर्नाटक की राजधानी से लगभग 2120 किलोमीटर दूर। कर्नाटक में बीजेपी के जो 104 विधायक हैं, ये इसी होटल में रुके हैं। शुरुआत में कहा गया कि लोकसभा की तैयारी के लिए बुलाया, नेशनल काउंसिल की मीटिंग में आए तो फिर सोचा और डिस्कशन कर लें चुनावों पर। पर कांग्रेस ने कहा कि अरे नहीं, बीजेपी वाले डर रहे हैं, इसलिए अपने विधायकों को डर के मारे छिपा रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस ने प्रदर्शन भी चालू कर दिया। इन सब चर्चाओं के बीच एक शब्द है जिसका बार बार जिक्र आता है, ऑपरेशन लोटस। 14 जनवरी को कुमारस्वामी येदियुरप्पा पर निशाना साधते हुए ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर चुके थे। बोले, इस बात में कोई शक नहीं कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस 3.0 शुरू हो चुका है। क्या है ये ऑपरेशन? इसकी शुरुआत हुई फरवरी 2006 में, तब कुमारस्वामी और बीजेपी के बीच समझौता हुआ था। कहा गया, गठबंधन कर लेते हैं, 20 महीना कुमारस्वामी CM रहे, फिर येदियुरप्पा बन लेंगे। 2007 में जब बेटन थमाने की बारी आई, येदियुरप्पा को कुमारस्वामी कुन्याई कर गए। चुनाव हुए तो बीजेपी को 110 सीटें मिली। सरकार बनाने में 3 विधायक कम पड़ रहे थे, बीजेपी के पास 5 निर्दलीय विधायकों का सपोर्ट था, पर उनकी मदद से बीजेपी बॉर्डर पर रहती, इसलिए जोड़ तोड़ चलती रही सरकार बनने के बाद भी। फिर JDS के 4 और कांग्रेस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। दिसंबर 2008 में बीजेपी की तरफ से उपचुनाव लड़ा, 7 सीटों में से 5 बीजेपी के पास आई और बीजेपी की अपनी सीटें बढ़कर हो गई 115। ऊपर से 5 निर्दलीय विधायकों के सपोर्ट, क्योंकि इस्तीफा दिलवाने से दलबदल कानून भी नहीं लगा, कोई कानून नहीं टूटा, टेढ़ी उंगली से घी निकल आया। इसे कहा गया ऑपरेशन लोटस 1। फिर आया ऑपरेशन लोटस 2.0। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी ऐसी ही जोड़ तोड़ चली थी। बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें थी, लेकिन बहुमत से कम, 104 विधायक। सरकार बनाने के लिए उसे 9 और MLA चाहिए थे। नंबर नहीं होने के बावजूद बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। गवर्नर हाउस में बैठे थे राज्यपाल वजूभाई वाला, जो कभी भाजपा के नेता हुआ करते थे, गुजरात के। उन्होंने बहुमत साबित करने के लिए येदियुरप्पा को 15 दिन का समय दे दिया। हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल बनने लगा, तभी एंटर हुआ सुप्रीम कोर्ट। उसने फैसला दिया 48 घंटे में बहुमत साबित करो। बीजेपी की उम्मीद
टूट गई, कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बन गई। उस समय जो जोड़ तोड़ की कोशिश हुई उसे ऑपरेशन लोटस 2.0 कहा गया। अब जो कोशिशें हो रही हैं उन्हें इसी वजह से 3.0 कहा जा रहा है। तो फिर आगे क्या होगा रामा रे? राजनीतिक उठापटक और बढ़ेगी। 18 जनवरी को कांग्रेस सीएलपी यानी कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेसी नेताओं के दावे के मुताबिक अगर 80 विधायक पहुंचते हैं और उससे पहले कोई इस्तीफा नहीं देता तो सरकार बचने की उम्मीद रहेगी। यहाँ एक बात और ध्यान में रखने लायक है, एचडी कुमारस्वामी भले बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस 3.0 चलाने का इल्जाम लगा रहे हो, इस पूरे बवाल के पीछे कांग्रेस का हाथ भी हो सकता है। कांग्रेस और जेडीएस के बीच लोकसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, जेडीएस 12 सीटें मांग रही थी, कांग्रेस 10 देने पर अड़ी है। हो तो ये भी सकता है कि सरकार गिराने का डर दिखाकर कांग्रेस जेडीएस को 10 सीटों पर समेटना चाहती हो। और असल बात मैं बताऊं आपको, ये है असल बात कि सबको सत्ता चाहिए। आप याद करिए सारी पार्टियां चुनाव के पहले एक दूसरे के लिए क्या क्या बोलती हैं, चुनाव के बाद किस तरीके से प्रतिबद्धताएं बदल जाती हैं, तर्क बदल जाते हैं, नारे बदल जाते हैं। और हम और आप इन्हीं सियासतदाओं के लिए सोशल मीडिया पर या असल जिंदगी में झगड़े करते हैं। चलिए अगली बात की तरफ चलते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ। बड़ी खबर हो चुकी है, अब एक खास बातचीत दिखाते हैं आपको। आज हमारी मुलाकात हुई छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। प्रदेश की राजनीति, रमन सिंह से तकरार और बहुत सारी चीजों पर बात हुई, उसमें से ये दो सवाल हैं जिनके जवाब आप फिलहाल देख लीजिए। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, आज अखबारों में तस्वीर है, आप प्रधानमंत्री को गुलाब का फूल दे रहे हैं। वो ओडिशा के दौरे पे गए थे तो कुछ देर के लिए रायपुर रुके थे, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? सरकार बनने के बाद, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आए थे और वो ट्रांजिट इसमें गए थे, प्लेन से आए, हेलीकॉप्टर से उड़ीसा गए, 5 मिनट का वक्त लगा होगा। तो निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री आए तो उनका स्वागत करने तो मैं गया था, मुझे उन्होंने बधाई भी दी, गर्मजोशी से हाथ भी मिलाया और मैंने भी कहा कि छत्तीसगढ़ की धरा में आपका स्वागत है, बस इतनी सी बात हुई। खबर है कि एक फॉर्मूला लागू किया गया है छत्तीसगढ़ में, ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री, ढाई साल भूपेश बघेल, ढाई साल टीएस सिंहदेव, सत्य है? ऐसी कोई फार्मूला नहीं बनी है और जहाँ तक के पार्टी हाईकमान को अधिकार है कि किसी भी मुख्यमंत्री को कभी भी वापस बुला सकते हैं, तो ये अधिकार तो उनके पास है, तो फार्मूला बनाने की ज़रूरत क्या है? ये यदि कोएलिशन गवर्नमेंट होती, दूसरे दल के लोग होते तो उसमें समझौता होता है, यहाँ किससे समझौता होगा? अपने से अपने बीच कैसे समझौता होगा? तो यदि आलाकमान चाहेगा, हाँ, और भूपेश बघेल चाहते हैं कि 5 साल तक कार्यकाल चले, जो हाईकमान का निर्देश होगा, कल कहें तो कल, अच्छा, और ढाई साल बाद कहें तो ढाई साल, ढाई साल बाद, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा। हम लोग सब एक हैं, उसमें कोई किसी बांटने की आवश्यकता नहीं है, जो हाईकमान कहे उसका हम लोग पालन करेंगे। बाकी मुख्यमंत्री का विस्तार से इंटरव्यू आप लल्लनटॉप की वेबसाइट पर देख सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर।